ये देखिए दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं दही भिंडी। तो दोस्तों इसके लिए हमें भिंडी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 300 ग्राम भिंडी लिए और कुछ 4 से 5 मैंने हरी मिर्च लिए। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि इसका आगे और पीछे से कट कर देना है। और मैंने यहाँ पर इसको 4 टुकड़ों में बांट लिया है। जैसे जो बड़ी भिंडी थी उसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए हैं पीस से, और जो छोटी थी मैंने उसको डबल किया है, और मिर्ची को मैंने कुछ इस प्रकार से बड़े टुकड़े में काट लिया है। और इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली, और कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। और दोस्तों तेल को हमने अच्छे से गरम कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ ऐसे चेक किया है। और गरम करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर भिंडी को ऐड कर देना है, और भिंडी को हमें मीडियम फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। और फ्राई करने के लिए दोस्तों हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, हमें इसे बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। आप मीडियम फ्लेम पर कर सकते हैं और हल्की 10 से 20 सेकंड के लिए बीच में रुक भी सकते हैं, और आप इसे कवर करके भी जल्द से जल्द कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है, जैसे कि हमारी जो भिंडी है वो अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हैं कि मेरी भिंडी अच्छे से पक रही है, और मैं इसे कंटिन्यू बीच बीच में चला रहा हूँ। आपको भी कुछ इसी प्रकार से चलाते हुए रहना है। और जैसे ही आप अपने घड़ी में टाइम लगा सकते हैं, 15 मिनट या 10 मिनट, तो जैसे ही आपको लगे कि भिंडी हल्की नरम हो चुकी है और पक चुकी है, तो आपको इसे अलग निकाल लेना है। और मैं यहाँ पर कुछ झझरी की सहायता से इसको निकाल लेता हूँ, या आपके पास जो भी है आप निकाल सकते हैं, या चम्मच से भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको निकालना बड़े ही सावधानी से है, क्योंकि तेल बहुत ही गर्म है। और मैं इसे अच्छे से बाहर निकाल देता हूँ। और दोस्तों इसे बाहर निकालने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से तेल हमारा अलग हो गया है, लेकिन भिंडी भी बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। और इसके बाद मैंने दोस्तों यहाँ पर रात को ही दही जमा दिया था। अगर आप दही मार्केट से भी ला सकते हैं, तो देखिए मैंने दोस्तों यहाँ पर 3 से 4 चम्मच दही लिया है। और दोस्तों इसमें हमें ज़रूरत पड़ने वाली है बेसन की, तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच बेसन ऐड करूँगा इसके अंदर। और साथ में ही हमें बेसन के साथ में हमें यहाँ पर हल्का सा पानी ऐड करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इसे एक बार मिक्स कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको दही और बेसन को अच्छे से मिक्स करना है। और जैसे ही यह हल्का सा मिक्स हो जाए, आप इसके अंदर आधा कप पानी ऐड कर दीजिए। इसे जब बहुत ही ज़्यादा पतला नहीं करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ये देख रहे हो आप, 1 चम्मच पानी मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से मिक्स तैयार हो चुका है। और दोस्तों इसके बाद में हमें इसे अच्छे से चलाकर साइड रख देना है। और इसके बाद में हमने वही कढ़ाई लेनी है, और इसके अंदर फिर से हल्का सा तेल डाला है और गरम कर लिया है। और दोस्तों साथ में हमने यहाँ पर जीरा इसके अंदर डाल दिया है। हमारे यहाँ पर लाल मिर्च भी ली है और हरी मिर्च भी ली है। जो लाल मिर्च है मैंने साबुत ली है, और उसको हमने डाल दिया इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारी मिर्चियाँ पक रही है, और आपको भी कुछ इसी प्रकार से मिर्ची को अच्छे से पका लेना है। और साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्याज, जो बड़े मोटे कटे हुए होने चाहिए, जो कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर मोटे काट रखे हैं, उनको भी यहाँ पर डाल देना है। और आपको प्याज को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए, बिल्कुल अलग 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 हो जाए, तब तक आपको इसको अच्छे से पका लेना है। और दोस्तों जैसे ये देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से पककर तैयार हो चुका है। तो साथ में हमें जो दही और बेसन का पेस्ट बना रखा था, उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और दोस्तों दही जब हम इसके अंदर डालते हैं, तो हमें इसे कंटिन्यू चलाना है, रोकना बिल्कुल भी नहीं है बीच में। क्योंकि अगर हमने दही को गर्म पकने तक हमने इसको नहीं चलाया, तो ये दही हमारा ख़राब हो सकता है। इसलिए हमें कंटिन्यू इसके साथ चलाते रहना है। और जैसे ही आपको लगे कि ये हल्का गाढ़ा हो रहा है, तो आप इसके बीच में आधा कप या 1 कप अपने अनुसार पानी डाल सकते हैं, और इसे हल्का सा पतला रखें। और साथ में दोस्तों यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। और नमक के साथ में दोस्तों जैसे हल्दी है, मिर्ची है और धनिया पाउडर है, ये सारे आपको ऐड कर देने हैं। मैंने यहाँ पर ये सब आधा आधा चम्मच लिए हैं। और दोस्तों हमें इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ में दोस्तों हमें इसके अंदर डाल देना है पानी।
जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए। और आप देख सकते हैं कुछ जैसे मैंने यहाँ पे हल्दी डाली थी तो कलर हल्का चेंज हुआ है, मिर्ची डाली है तो उससे भी हल्का लाल हो रहा है। तो मिर्ची हमने ऑलरेडी हरी मिर्च काफ़ी मात्रा में डाल दी थी, इसलिए हमें यहाँ पे लाल मिर्च बहुत ही कम डालनी है, नहीं तो सब्ज़ी बहुत ही तीखी हो जाएगी। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते हैं तो नॉर्मली रखें। और दोस्तों जब आपको लगता है कि हल्के जैसे आप देख रहे हैं दही के अंदर जो पक चुका है, तो इसमें अच्छे से देख रहे हैं आप जो ऐसे बुलबुले हो रहे हैं, ऐसे बुलबुले उठने के बाद आपको यहाँ पे डाल देनी है इसके अंदर भिंडी। और दोस्तों जब आप इसके अंदर भिंडी ऐड कर देंगे तो हमें इसको बहुत ही ज़्यादा तक देर तक नहीं पकाना है, क्योंकि हमारी जो भिंडी थी वो ऑलरेडी पकी हुई थी। तो आपको इसको बहुत ही कम समय में, मतलब मैं मानता हूँ कि 5 मिनट के अंदर लो फ्लेम पर ये हमारी सब्जी अब बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको ये बना लेनी है। और इसको हमें 1 से 2 बार बीच में चलाते रहना है। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर वीडियोज पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियोज को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे जो वीडियोज है वो आप तक पहुंचते रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियोज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।